चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा नया टॉपिक है जेएफईटी। जेएफईटी का फुल फॉर्म आता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेएफईटी के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है गेट टर्मिनल, एक होता है सोर्स टर्मिनल और एक होता है आपका ड्रेन टर्मिनल। आपने सबसे पहले एक एन टाइप सब्सट्रेट लिया। इस एन टाइप सब्सट्रेट के अंदर आपने दोनों तरफ पी पॉजिटिव और पी पॉजिटिव एलिमेंट की डोपिंग कर दी। ये जो गेट टर्मिनल है, ये दोनों पॉइंट्स, ये गेट टर्मिनल पीछे से कनेक्टेड है। ये पॉइंट और ये पॉइंट गेट टर्मिनल का दोनों तरफ कनेक्टेड है, मतलब आपका जो गेट होता है मॉस्फेट में वो पीछे से कनेक्टेड रहता है। चलिए, अगर अपन पोलैरिटीज इसके ऊपर अप्लाई करें तो एक बायसिंग होती है रिवर्स्ड बायस, तो गेट इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस। गेट पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया और सोर्स पे आपने पॉजिटिव दिया, इट इज रिवर्स्ड बायस। वहीं अगर अपन ड्रेन के बारे में बात करें तो ड्रेन टर्मिनल पे जो सोर्स रीजन होता है वो सोर्स रीजन फॉरवर्ड बायस होता है। सोर्स साइड से आपका अगर एक पोलैरिटी पी डी एस, आप देख सकते हैं गेट टर्मिनल से अंदर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि गेट टर्मिनल रिवर्स बायस है। तो अगर आप इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो होता है V इक्वल्स टू I इंटू Z, तो V बाय I इज इक्वल्स टू Z। अगर गेट पे अंदर जाने वाले करंट बिल्कुल जीरो है आइडियल अगर अपन बात करें, तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मॉस्फेट का या जेफेट का वो इनफाइनाइट होता है, जो कि बहुत अच्छा एम्पलीफायर बनाने की क्वालिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट वन, अगर आप इससे पोलैरिटीज अगर अपन अप्लाई करें तो दो पोलैरिटीज हैं, एक वीजीएस की और एक वीडीएस की। वीजीएस एंड वीडीएस, हमने सबसे पहले वीजीएस को एक कांस्टेंट वैल्यू पे रखा। लेट्स स्टार्ट, हमने रखा वीजीएस को, फॉर एग्जांपल हमने जीरो कंसीडर करा, वीजीएस इज इक्वल्स टू जीरो, केस नंबर वन। अगर वीजीएस की वैल्यू जीरो है तो इस पी और इस एन चैनल के बीच में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी वैल्यू ड्रेन साइड से थोड़ी सी बड़ी होगी और सोर्स साइड से डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी छोटी फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी क्योंकि ड्रेन टर्मिनल ऊपर से रिवर्स्ड बायस है। एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ड्रेन टर्मिनल जो है वो रिवर्स्ड बायस है, इसीलिए डिप्लीशन लेयर की विड्थ ऊपर से बड़ी होगी और नीचे से थोड़ी सी छोटी होगी। अगर अपन एक कर्व की बात करें, वीजीएस आईडीएस वर्सेस वीडीएस का ग्राफ इसके अंदर प्लॉट होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व को अपन डिस्क्राइब करते हैं। एक एक्सिस पे आपने करंट लिया आईडीएस और एक एक्सिस पर आपने वोल्टेज लिया वीडीएस। आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, कीपिंग वीजीएस एट अ कांस्टेंट वैल्यू जीरो। मान लेते हैं कि आपने वीजीएस अप्लाई नहीं करा, तो जैसे जैसे आप वीडीएस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं जीरो से, तो ड्रेन टर्मिनल ऊपर से पॉजिटिव है और सोर्स टर्मिनल नेगेटिव क्वांटिटी से, नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी जो है सोर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको रिपल करना स्टार्ट करेगी। तो बेसिकली जैसे जैसे आप वीडीएस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स सोर्स टर्मिनल से निकलेंगे और ड्रेन टर्मिनल की तरफ पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से लेकर ड्रेन तक फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो करंट होगा IDS, करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। अब जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। देखते हैं करंट की वैल्यू कांस्टेंट क्यों हो रही है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने VDS अप्लाई करा है तो VDS ऊपर डिप्लीशन लेयर को रिवर्स बायस करके रखा, तो जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये भी इंक्रीज होती जा रही है। VDS की और वैल्यू बढ़ी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ गई, VDS की और वैल्यू बढ़ी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ
और बढ़ती। तो जो सोर्स को, जो सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनको बहुत ही नैरो एरिया मिलेगा और उस नैरो एरिया में से कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पास हो पाएंगे। जैसे जैसे आप VDS बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं यहाँ से, पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अब ड्रेन तक पहुंच नहीं पा रहे, या फिर या जो नियर, ये जो आपका एरिया है जो नैरो हो चुका है, इस नैरो एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कांस्टेंट हो चुका है। तो करंट की वैल्यू इस पॉइंट के बाद अब इंक्रीज नहीं हो पा रही है, और इस पॉइंट के बाद जो करंट है वो आपका कांस्टेंट हो गया। और ये आपने केस लिया VGS इक्वल्स टू जीरो। इस पॉइंट पर आपको जो करंट मिलता है वो मैक्सिमम करंट होता है, और मैक्सिमम करंट डिनोट किया जाता है IDSS से, करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन। चलिए अगर आपने VGS की एक सेकंड वैल्यू लेते हैं, अब आप जो यहां पे पोलैरिटीज लेते हैं वो नेगेटिव पोलैरिटीज में जाते हैं, VGS इज इक्वल्स टू माइनस वन। अगर आपने VGS इक्वल्स टू माइनस वन का केस लिया है, लेट्स सी, तो इनिशियली जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है वो VGS की कंपैरिजन में बड़ी डिप्लीशन लेयर होगी, क्योंकि VGS भी अब पी टाइप को रिवर्स बायस कर रहा है। और मैंने अभी बताया जो ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटरकनेक्टेड है, तो जैसे ही आपने रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ दोनों तरफ से इंक्रीज होगी, या बड़ी डिप्लीशन लेयर की विड्थ मिलेगी एज कंपेयर टू VGS इक्वल्स टू जीरो। तो इस VGS इक्वल्स टू माइनस वन पे जब आपने VDS अप्लाई करना शुरू करा तो जो नैरो एरिया आपको मिल रहा था अब वो पहले की कंपैरिजन में बड़ी जल्दी मिल जाएगा। तो आपका जो करंट है वो पहले की कंपैरिजन में बड़ी जल्दी कांस्टेंट होना चालू कर देगा। VGS इक्वल्स टू माइनस, अगर मैंने VGS की वैल्यू माइनस टू रखी तो इनिशियल जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो VGS इक्वल्स टू माइनस वन की कंपैरिजन में और ज्यादा बड़ी डिप्लीशन लेयर होगी। अब इस वैल्यू पे आप जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर बड़ी जल्दी पास होना शुरू कर देगी। तो जो करंट की कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको बड़ी जल्दी अचीव होना स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने VGS की नेगेटिव पोलैरिटीज क्यों अप्लाई करी है, फिर नॉट यू आर गोइंग फॉर द पॉजिटिव पोलैरिटीज। एक्चुअल में JFET और MOSFET ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हम कम करंट को भी कंट्रोल्ड वर्जन में चाहते हैं। जो हमारे JFET और MOSFET में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम करंट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर VGS की आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आपको एक स्पेसिफिक करंट को भी कंट्रोल्ड वे में फ्लो करवाना है, इसीलिए आप VGS की नेगेटिव वैल्यूज पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको फील्ड क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अ जंक्शन। पहला वर्ड जंक्शन इसीलिए क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर जो फॉर्म हो रही है ये जंक्शन बनाती है, इसलिए आपने वर्ड दिया इसको जंक्शन। व्हाई फील्ड, एक्चुअल में जब आप VGS की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और ज्यादा बढ़ती जाती है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर के कारण जो फील्ड क्रिएट हो रही है उस फील्ड की मदद से आप इस वैल्यू को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हेंस द नेम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET को आप वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी बोलते हैं। आप एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज की मदद से अंदर फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करके रखते हैं, इसीलिए आप इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको रीच हुआ है इस पॉइंट को कहा जाता है VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। जिस पॉइंट पर आपके करंट की वैल्यू कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। थैंक यू।